सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, नोकिया 5.1 प्लस, नोकिया 6.1 प्लस आप सभी को पता होगा काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्राइसिंग पर यहाँ पर नोकिया ने इंडिया में लॉन्च करा था। बहुत अच्छा फ़ोन है और बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने इसे ख़रीदा है। बट आज के दिन यहाँ पर नोकिया ने 30 नवंबर को इंडिया में लॉन्च कर दिया अपना नोकिया 7.1। और आज की स्टूडियो में मैं सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, क्या कुछ आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, क्या प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ है, क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए, क्या ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए, क्या ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, सारी चीज़ आज की स्टूडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी बात पर कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, आई होप के यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो नोकिया 7.1 प्लस का हम वेट कर रहे थे वो ये डिवाइस नहीं है। ये डिवाइस एक अलग कैटेगरी का है, या आप बोल सकते हो एक ऑफलाइन सेगमेंट का फ़ोन है। नोकिया 8.1 जो आने वाला है, जो नोकिया 7.1 प्लस बेसिकली जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है भाई, वो एक अलग डिवाइस है। और नोकिया 7.1 खाली वाला ये अलग एक डिवाइस है। बात कर लेते हैं कि नोकिया ने क्या प्राइस पॉइंट पर यहाँ पर इसे इंडिया में लॉन्च करा है। तो 4GB 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस पॉइंट रखी है 20,000 रुपये। और ये आपको ऑफलाइन सेगमेंट में सारे रिटेल स्टोर पे आपको नोकिया के देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ये फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की, तो बिल और डिज़ाइन की बात करें तो यार नोकिया है तो बिल और डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको फ्रंट में और बैक में ग्लास देखने को मिल जाता है, बीच में आपको एल्युमिनियम की फ्रेम देखने को मिल जाती है। तो पूरा का पूरा फ़ोन यहाँ पर दिखने के मामले में एज वेल एज बिल्ड क्वालिटी के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये फ़ोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 5.84 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। HDR10 को सपोर्ट करता है, साथ में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले भी ये फ़ोन का काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 4GB की रैम मिल जाती है, 64GB की स्टोरेज मिल जाती है। और यहाँ पर आपको एक हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाता है और डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं ये फ़ोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 636 देखने को मिलता है, साथ में आपको एड्रिनो का 509 का GPU देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं ये फ़ोन के कैमरास की, तो यहाँ पर आपको बैक में डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है। 12 MP का आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है f1.8 अपर्चर के साथ में। जो सेकेंडरी कैमरा है वो आपको 5 MP का डेप्थ सेंसिंग वाला देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये फ़ोन यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है, साथ में आपको EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको बेसिक सा 8 MP का देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये फ़ोन के सेंसर्स की, तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बैक साइड में देखने को मिलता है। फेस अनलॉक नहीं मिलता है क्योंकि ये एंड्रॉयड 1 पे चलता है, तो यहाँ पर आपको गूगल का ट्रस्टेड फेस देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड वर्जन और UI की बात कर लेते हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको ओरियो 8.1 के साथ में देखने को मिलता है। पाई का अपडेट भी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ये एंड्रॉयड 1 पे सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर 2 से 3 साल का आपको रेगुलरली अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पर आपको 3060 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, सेम टू सेम नोकिया 6.1 प्लस जितनी ही कैपेसिटी है। टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा और बॉक्स में ही फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। ये पूरा पैकेज था नोकिया ने लॉन्च करा 20,000 की प्राइस पॉइंट पे। अब मैं मेरे ओपिनियन की बात करूं तो यार, आप ये ऑफलाइन सेगमेंट का फ़ोन है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नोकिया 5.1 प्लस और 6.1 प्लस के साथ में नोकिया ने प्राइसिंग बहुत ही बढ़िया रखी थी, वो बिल्कुल भी यहाँ पर दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो यार, नोकिया कभी कभी अच्छे फ़ोन लॉन्च करता है, कभी कभी एकदम से यार पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये फ़ोन भी मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है। अगर ये फ़ोन की प्राइस पॉइंट रहती 16 से 17 हज़ार नोकिया एज अ ब्रांड भी अगर आप पकड़ते हो, तो 636 और यार बाकी भी सारे फीचर, सेल्फी कैमरा हो गया या बैटरी हो गई, सारी चीज़ें आपको कम देखने को मिल रहा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन ओवर प्राइस है। बाकी आपको कैसा लगा ये फ़ोन मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। क्या आप नोकिया एज अ ब्रांड को लेते हुए आप ये फ़ोन के लिए 20,000 पे करना चाहोगे ऑफलाइन को पकड़ के, ये नहीं करना चाहोगे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और आपको 20,000 में फेवरेट फ़ोन कौन सा है वो भी बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। आई होप कि मेरी तरफ से आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।